महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी जब भी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाते तो उनके साथ दोनों माँ और कुछ गिने चुने भक्त हुआ करते थे। महिलाओं में श्रीमती मुन्नी साहब भी इन यात्राओं में माँ के साथ होती थीं। बाद के वर्षों में श्रीमती मुन्नी साहा, जो कि कैंची में मुन्नी दीदी के नाम से प्रसिद्ध थीं, माँ के दर्शन के लिए अक्सर कैंची आया करती थीं। मैं देखती थी कि माँ मुन्नी दीदी से विशेष प्रेम से मिलती थीं। नवंबर का महीना था, मौसम सर्द था। माँ दर्शन कक्ष के पीछे खुले प्रांगण में तुलसी चौरे के पास धूप में बैठी हुई थी। उस समय माँ के दर्शन के लिए 10-15 लोग उनके चारों ओर घेरे बैठे हुए थे। कुछ महीनों के अंतराल के बाद उस दिन एकाएक मुन्नी दीदी माँ के दर्शन के लिए वहाँ पहुँची और मुझे देखकर ऊंचे स्वर में बोली, जया मैं तुम्हें आज बताने आई हूँ कि महाराज जी माँ के लिए क्या कहते थे। मुन्नी दीदी बहुत मृदुभाषी होने के साथ साथ माँ के सामने बहुत कम बोलती थी, परंतु उस दिन उनकी आवाज़ में एक तीव्रता सी थी। मुन्नी दीदी ने माँ को प्रणाम किया और माँ के हाथ से संकेत कर उन्हें अपने कम्बल के आसन पर बैठा लिया। मुन्नी दीदी माँ के साथ बैठ गईं। मुन्नी दीदी का इस प्रकार माँ के बगल में बैठना बिल्कुल असामान्य सा लगा, क्योंकि आसन पर केवल माँ ही बैठती थी। माँ के बगल में बैठते ही बिना समय नष्ट किए मुन्नी दीदी माँ और महाराज जी के साथ के अपने संस्मरण सुनाने लगी। मुन्नी दीदी ने बताया कि एक बार वह और कुछ अन्य भक्त महाराज जी के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर गए। दोनों माँ और तुलाराम जी भी साथ में थे। यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश में पड़ा और सभी लोग त्रिवेणी घाट में खुर्जा धर्मशाला में रुके। अगले दिन महाराज जी ने सभी लोगों को गंगा जी में स्नान करने की आज्ञा दी। महाराज जी ने वही धर्मशाला में रुके रहे और उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उस दिन गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। पहाड़ों में जो हो रही तेज बारिश के बहाव से किनारे के रेतीले तट भी बह गए थे। सभी लोग स्नान की तैयारी कर रहे थे कि अचानक घाट पर खड़े लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और सबने तुलाराम जी को जल के तेज बहाव में बहते हुए देखा। पानी में बहने का यह विवरण मैंने पहले भी सुना था कि तुलाराम जी गंगा में बह गए थे और माँ ने तुरंत गहरे पानी में प्रवेश कर उन्हें डूबने से बचाया था। मुन्नी दीदी ने बताया कि जिस समय वह घटना घटित हुई उस समय वह माँ के बगल में ही खड़ी थी। मुन्नी दीदी ने स्पष्ट किया कि माँ पानी में प्रविष्ट नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने माँ को पानी की सतह पर चलकर जाते हुए देखा था। माँ पानी की तेज धारा के ऊपर से चलकर गईं और तुलाराम जी को पानी से खींचकर वापस लाईं। वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बताते हुए मुन्नी दीदी ने फिर कहा कि वह आज यह भी बताने आई है कि महाराज जी माँ को जगत जननी कहते थे। अपनी बद्रीनाथ यात्रा को याद करते हुए मुन्नी दीदी बोली कि एक दिन सब लोग महाराज जी के साथ मंदिर दर्शन के लिए चले गए थे, लेकिन वह पीछे ही रह गई थी। वह भी जल्दी जल्दी मंदिर गईं और दर्शन कर महाराज जी के पास गईं। जैसे ही वो महाराज जी को प्रणाम करने लगीं तो महाराज जी जोर से बोल उठे, माँ को प्रणाम कर, माँ को प्रणाम कर, माँ जगत जननी है। माँ के सानिध्य में हमेशा देखा जाता था कि जब भी कोई भक्त माँ के समक्ष उनकी दिव्यता का निरूपण करने का प्रयास करने लगता तो माँ एक अनोखे तरीके से उसकी धारा प्रवाह को रोक देती। परंतु उस दिन माँ शांत बैठी रहीं। कुछ देर बाद माँ ने मुन्नी दीदी को प्रसाद पाने भेज दिया।
प्रसाद पाकर मुन्नी दीदी ने माँ से घर जाने की आज्ञा मांगी। ऐसा लग रहा था उस दिन मुन्नी दीदी को वापस लौटने की जल्दी थी। उसके 4 दिन बाद ही मुन्नी दीदी का स्वर्गवास हो गया। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। जय बोलो।